गोरखनाथ थाने की पुलिस ने खिचड़ी मेला में पैसा छीनने वाली दो अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि 14 जनवरी को वादी द्वारा थाना गोरखनाथ पर लिखित तहरीर दिया गया कि खिचड़ी मेला में गोरखनाथ मंदिर परिसर में उनकी माता जी से दो महिलाओं द्वारा पर्स सहित 1120 रुपया छीन लिया गया, जिसके आधार पर तत्काल थाना गोरखनाथ थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसको देखते हुए गोरखनाथ पुलिस द्वारा सीसीटीवी की मदद से पहचान कर दो अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान काजल उर्फ राम देवी पत्नी अनुज उर्फ प्रदीप निवासी भगंतपुर थाना रामपुर कला जनपद सीतापुर, दूसरा नेहा उर्फ निर्मला पत्नी शोभित निवासी भड़िया थाना अटरिया जनपद सीतापुर को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 1120 रुपया व पर्स बरामद किया गया है, जिसको जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गोरखनाथ थाने के कांस्टेबल पवन कुमार, महिला कांस्टेबल आंचल पांडे, पूजा भारती शामिल रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जैसा कि सभी को सर्वविदित है कि खिचड़ी मेला आज से प्रारंभ हुआ है। खिचड़ी मेले में आज प्रातः एक लीलावती देवी नाम की महिला दर्शन करने आई थी, उस महिला से दो पर्स छीनने वाली ऐसी महिलाओं की एक गैंग जो कि सीतापुर से आई थी, उन्होंने यहाँ एंट्री की और उस महिला से पर्स छीना। पर्स छीनने के बाद में उस महिला ने महिला थाने पर तहरीर दी। उसके बाद में उन दोनों महिलाओं को आइडेंटिफाई किया गया कैमरा के माध्यम से और उनको गिरफ्तार किया गया और उनके पास से बरामदगी में वही पर्स और 1120 रुपये बरामद किए गए हैं। उनके खिलाफ थाना गोरखनाथ में मुकदमा दर्ज कर दोनों अभियुक्ताओं को गिरफ्तार कर उनको जेल भेजा गया और आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।